नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओप्पो F11 Pro और गैलेक्सी A50 के बीच फुल कंपैरिजन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की डिज़ाइन से। सबसे पहले बात करें अगर डिज़ाइन की, तो दोनों ही डिवाइसेज मुझे डिज़ाइन के मामले में एकदम अमेजिंग लगे। यानी कि दोनों ही डिवाइसेज आज के ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक ट्रेंडी डिज़ाइन के साथ आते हैं। बैक पर दोनों में ही ग्लॉसी फिनिश मिलता है और मतलब हाथ में होल्ड करने पर लगता है कि आपने प्रीमियम डिवाइस होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा दोनों में ही कुछ ट्रेंडी कुछ कूल मिलता है, जैसे कि F11 Pro जब आप यूज़ करते हो और वहाँ जो पॉप सेल्फी वाला कैमरा ऊपर नीचे होता है तो सामने वाला पूछेगा भाई कौन सा डिवाइस है। ऐसे ही गैलेक्सी A50 में आपको एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो वो भी यूज करने में कूल लगता है। तो डिज़ाइन के मामले में दोनों ही अमेजिंग है, लेकिन अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए, दोनों ही मैंने यूज़ किए हैं, तो वहाँ गैलेक्सी A50 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गैलेक्सी A50 लाइट वेट फोन है। 168 ग्राम वजन है गैलेक्सी A50 का, तो A50 के मुकाबले में F11 Pro थोड़ा सा हैवी वेट लगा। 190 ग्राम वजन है F11 Pro का और डेली यूज में मुझे वो थोड़ा सा हैवी वेट लगा, जबकि गैलेक्सी A50 मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। बाकी का दोनों ही डिवाइसेस डिज़ाइन के मामले में एकदम कमाल के हैं। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में। तो गैलेक्सी A50 में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका PPI है 403। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक इन्फिनिटी वी डिस्प्ले यानी कि नॉच के साथ। तो वहीं F11 Pro में आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसका PPI है 397। अब यहाँ पर आपको कोई नॉच वगैरह नहीं मिलता है, सीधा सा डिस्प्ले मिलता है। तो अगर आपको नॉच डिस्प्ले पसंद नहीं है तो फिर F11 Pro का डिस्प्ले आपको ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन अगर नॉच होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वहाँ कम्प्लीटली गैलेक्सी A50 का डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। मतलब सेम पिक्चर जब आप दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले पर देखोगे तो वो आपको गैलेक्सी A50 पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले का कलर प्रोडक्शन कॉन्ट्रास्ट रेशियो IPS डिस्प्ले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के UI फीचर्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको एंड्रॉयड पाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं। गैलेक्सी A50 में आपको मिलता है सैमसंग का वन UI, तो वहीं F11 Pro में मिलता है आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि बात करें अगर गैलेक्सी A50 के बारे में, तो A50 में आपको थीम स्टोर मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दिया गया है, गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स दिया गया है, बिक्सबी मिल जाएगा, स्मार्ट पॉपअप, जेस्चर कंट्रोल, डुअल मैसेंजर, इसके अलावा मल्टी विंडो, डॉल्बी ऑटम्स, लेकिन ये हेडफोन पर ही वर्क करता है, इसके अलावा नाइट मोड, सिक्योर फोल्डर और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। अब गैलेक्सी A50 में दो फीचर ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे और वो आपको F11 Pro में नहीं मिलेंगे, जैसे कि बिक्सबी और दूसरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि F11 Pro में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, इसीलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले F11 Pro के मतलब का नहीं है या उसमें काम नहीं कर पाएगा। वहीं F11 Pro की बात करें तो यहाँ भी आपको ऐप स्प्लिट यानी कि मल्टी विंडो, गेम स्पेस, फ्लोटिंग विंडो, प्राइवेट सेफ और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। अब फेस अनलॉकिंग सिस्टम की बात करें तो वो मुझे F11 Pro का ज़्यादा बेहतर लगा। वैसे तो गैलेक्सी A50 का भी फेस अनलॉकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेटेस्ट अपडेट के बाद और ज़्यादा इंप्रूव हुई है उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ F11 Pro का थोड़ा सा फास्ट है, और फास्ट उससे कोई फ़र्क नहीं भी पड़ता, लेकिन एक जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है कि जब आपकी आँखें बंद होती हैं तो F11 Pro में वो काम नहीं करता है फेस अनलॉकिंग सिस्टम। हालांकि उसे आप मैनुअली अनेबल डिसेबल कर सकते हो, लेकिन गैलेक्सी A50 में आंखें बंद होने के बावजूद भी आपका फोन अनलॉक हो जाता है, यानी कि अगर आप सो रहे हो, किसी ने आपके चेहरे पर आपका फोन दिखा दिया तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, जो कि गैलेक्सी A50 की सिक्योरिटी को थोड़ा सा डाउन करता है। बात करें अगर कैमरे की, तो F11 Pro में आपको 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.8 और 16 मेगापिक्सल का आपको यहां मिलता है फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है 2.0। वहीं गैलेक्सी A50 में रियर पर मिलता है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, प्राइमरी कैमरा है 25 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.7, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस। इसके अलावा 25 मेगापिक्सल का आपको यहां मिलता है फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है 2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, फास्ट मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ब्यूटी इफेक्ट, ऑटो HDR और AI फंक्शंस दिए गए हैं। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो दोपहर के टाइम जो मैंने फोटोज़ कैप्चर किए थे, वहाँ F11 Pro के पिक्चर्स में मुझे कलर सैचुरेशन और एक्सपोजर लेवल ज़्यादा बैलेंस देखने को मिला था एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A50। हालांकि दोनों ही डिवाइसेज में से किसी में भी डायनेमिक रेंज का कोई इशू नहीं था। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वहाँ गैलेक्सी A50 मुझे ज़्यादा बेहतर लगा,
क्योंकि वहाँ पर आपको कई सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड ब्लर कर कितना ब्लर करना है, कितना नहीं करना है, फोटो कैप्चर करने के बाद भी आप ये एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ऐसे कई सारे फंक्शंस मिलते हैं जिससे आप अपने पोर्ट्रेट मोड को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आ रही है। ये है कुछ फ्रंट कैमरे से कैप्चर किए फोटोज़। हालांकि पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों का ही इस डिटेक्शन एकदम कमाल का था। स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ कम्प्लीटली गैलेक्सी A50 F11 Pro से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि A50 में आपको 240 FPS पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, और ये आप डिसाइड कर सकते हो कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको स्लो मोशन पर रखना है, जबकि ये सारी चीज़ें F11 Pro में नहीं है, और वहाँ 120 FPS के आसपास आपका स्लो मोशन पर वीडियो रिकॉर्ड होता है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करो तो F11 Pro में आपको मिलता है नाइट स्केप नाम का एक कैमरा मोड, जिसके जरिए लो लाइट में आप बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हो, और ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स। और यहाँ नाइट स्केप मोड की वजह से F11 Pro कम्प्लीटली गैलेक्सी A50 से ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा गैलेक्सी A50 में ट्रिपल कैमरे का आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड शॉट और अल्ट्रा वाइड वीडियो कैप्चर कर सकते हो, जो कि F11 Pro से पॉसिबल नहीं है। बात करें अगर हार्डवेयर की तो F11 Pro में आपको मिलता है Helio P70 प्रोसेसर, और इसका केवल एक वेरिएंट आता है, 6GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, और प्राइस है 24,990 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये। वहीं गैलेक्सी A50 में आपको मिलता है Exynos का 9610 प्रोसेसर, और यहाँ मिलते हैं आपको दो वेरिएंट। पहला है 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, प्राइस है लगभग 20,000 रुपये, 19,990 रुपये। दूसरा वेरिएंट आता है 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाला, जिसका प्राइस है 22,990 रुपये। परफॉर्मेंस की बात करें तो F11 Pro पर PUBG जैसा गेम पर आपको हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है, HDR ग्राफिक्स या फिर अल्ट्रा फ्रेम रेट और एक्सट्रीम फ्रेम रेट का सपोर्ट आपको वहां नहीं मिलेगा। हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पर आप ये गेम F11 Pro पर बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। वहीं बात करें अगर गैलेक्सी A50 के बारे में तो वहां पर HDR का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप ये गेम स्मूथ ग्राफिक्स पर प्ले करते हो तो फिर वहां पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि गेमिंग में गैलेक्सी A50 कम्प्लीटली F11 Pro से बेहतर है, और कम्प्लीटली नहीं, एक अलग लेवल पर ही बेहतर है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेज में आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, और दोनों ही डिवाइसेज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करते हैं। सिम स्लॉट्स की बात करें तो गैलेक्सी A50 में आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, यानी कि वहां पर आप दोनों सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो, लेकिन F11 Pro में आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि आप या तो दोनों सिम यूज कर पाओगे या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड। और अगर आप दोनों सिम यूज करना चाहोगे तो मुझे लगता है आज के HD के जमाने में F11 Pro की 64GB की इंटरनल मेमोरी आपके लिए कम हो सकती है। तो दोस्तों यही था मेरा F11 Pro और Galaxy A50 के बीच फुल कंपैरिजन। Galaxy A50 मुझे अपने आप में एकदम कंप्लीट और बढ़िया पैकेज लगा, लेकिन यहाँ F11 Pro को परचेज करने की भी कुछ वजह बनती हैं, जैसे कि 48 मेगापिक्सल का वहाँ रियर कैमरा मिलता है, तो डिस्टेंस फोटोग्राफी अगर आप ज़्यादा करते हो तो F11 Pro आपके लिए बेहतर है। नॉच डिस्प्ले आपको पसंद नहीं है तो भी F11 Pro आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है A50, वो उतना ज़्यादा भी फास्ट वर्क नहीं करता है जितना नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर करते हैं। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस अगर आपको बिल्कुल फास्ट चाहिए तो भी F11 Pro आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बाकी का मैं तो यही सलाह दूंगा कि गैलेक्सी A50 अपने आप में एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके सोचते हो इन दोनों डिवाइसेस के बारे में ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी का वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। अगला वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।